गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, घर पर हैं, सेफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है वो होने वाला है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, या फिर आप कहें इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो आपने अभी तक इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसके ऊपर दो फैराडेज लॉ हमने स्टडी किए, उनके ऊपर न्यूमेरिकल किए। तो आज बस उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में और हम लेके जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रेजिटिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इन सभी को हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी और साथ में जो इनके न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी, बोर्ड लेवल में क्या न्यूमेरिकल्स हैं और आपके कंपटीशन में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को भी और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी बड़ा डिटेल के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म से जो कि होती है कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। चलिए बताइए मेरे को आप सभी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर। आप कहेंगे सर इसको तो सभी ने पढ़ रखा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। वेरी गुड। कि कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम बोल देते हैं कंडक्टर। अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कंडक्टर्स के, एग्जांपल्स हम कहें तो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आपको पता है एसिड्स है ना, एसिड के सॉल्यूशन, बेस के एक्वस सॉल्यूशन, या फिर साल्ट्स, या फिर आप कहेंगे मेटल्स है ना, एटसेट्रा। तो ये होते हैं कॉमन से एग्जांपल जो अभी तक हमने लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी किए हैं। तो अब कंडक्टर हमारे को पता लग गया, या आपको पता है पहले से, आप स्टडी करके आए हो कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। बहुत अच्छी। और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए, यही अभी तक आपने पढ़ा है। बट इन कंडक्टर्स को हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय दीज कंडक्टर्स, कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कैसे करते हैं, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या फिर कुछ और ही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब किसके बेसिस पे इन कंडक्टर्स के अंदर से करंट फ्लो होता है उसको देखते हुए हम इन कंडक्टर्स को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट तो बनता है मेटालिक कंडक्टर, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहिए, जो हमारी यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एंड सेकंड वन होता है आपको पता है मेटालिक कंडक्टर, है ना, मेटालिक कंडक्टर। तो हम कंडक्टर्स को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, अभी तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वही क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जो दूसरे बच गए अब कौन है, फिर मेटेलिक कंडक्टर। तो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं इनके अंदर कि विच कंडक्ट करंट ड्यू टू डिसोसिएशन, ड्यू टू डिसोसिएशन इंटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए सही बात है। आप, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताई थी, उसमें ही तो पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो करंट के पास करवाने के ऊपर इलेक्ट्रो अपने आयंस के अंदर टूट जाएं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर टूट जाएं, उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो डिसोसिएशन नहीं करते हैं। हम लिख सकते हैं कि दिस डू नॉट डिसोसिएट्स ऑन पासिंग करंट,
तो देखिए पहला डिफरेंस क्या है कि ये डिसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पर ये क्या होते हैं, डिसोसिएट, बट दीज डू नॉट डिसोसिएट। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस देख क्या है कि दीज कंडक्ट करंट ड्यू टू डिसोसिएशन इनटू आयंस, मींस आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हैं इसको कि इनके अंदर से जो कंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस, किसकी वजह से कंडक्टेंस होता है, आयंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास होता है किसकी वजह से, आयंस की वजह से, है ना। आयंस होते हैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो भी हैं, वो आयंस चार्ज को कैरी करते हैं और उनकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो ये यहाँ पर रीजन है कंडक्टेंस का, आयंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं कंडक्टेंस का रीजन, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन। सभी मेटल्स के पास जो उनकी वैलेंसी जिसे हम कह देते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज मूव होगा तो आपको पता है करंट बहेगा या करंट फ्लो होगा। तो मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ पे किसकी वजह से, आयन की वजह से। क्लियर है। अब इसी वजह से दियर कंडक्टेंस इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहां पे जो कंडक्टेंस है आयन्स की वजह से, इसी तरह के कंडक्टेंस को हम कहते हैं आयनिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर कौन सा कंडक्टेंस होता है, आयनिक, इनको क्या कहेंगे। देयरफॉर दियर कंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर कंडक्टेंस कैसा है, आयनिक कंडक्टेंस, आयन की वजह से कंडक्टेंस है। और मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्लियर है। तो दो पॉइंट्स मेरे में हमने लिखे। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि एग्जांपल्स में क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या होते हैं आपको पता है, एसिड के सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन या फिर साल्ट के सॉल्यूशन। इन सभी के जो सॉल्यूशंस हैं उन सभी के अंदर कौन सा कंडक्टेंस होता है, आयनिक कंडक्टेंस। इसीलिए कैसे कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, हाँ जैसे ऑल मेटल्स, जैसे अपनी कॉपर है, जैसे अपनी सिल्वर है, अपना गोल्ड है, ठीक है, अपना सोडियम है, पोटासियम है, एटसेट्रा। ये सारी की सारी मेटल्स क्या होती हैं, मेटालिक कंडक्टर। कौन से कंडक्टर होती हैं, मेटालिक कंडक्टर। तो जो बेसिक से डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर ये करंट के पास होने पर डिसोसिएट होते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते। यहाँ पे जो कंडक्टेंस है किसकी वजह से, आयन की वजह से, बट यहाँ पे जो कंडक्टेंस है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसके बाद इसीलिए इनके कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। एग्जांपल्स में एसिड, बेस और साल्ट के जो एक्वस सॉल्यूशन है वो सभी क्या है, यानी कि मोल्टन स्टेट है, वो सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। और जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं, अब ये चाहे सॉलिड स्टेट में है चाहे मोल्टन स्टेट के अंदर है, क्लियर है। सब सभी के अंदर जो एग्जांपल्स जो बनते हैं ये किसका, मेटलिक कंडक्टर्स का। क्लियर है। तो चलिए नोट कीजिए, वेरी गुड, सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हैं आपको, बहुत अच्छे। तो अब देखिए कुछ डिफरेंस हमने लिखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये ही डिफरेंस हैं, अभी और डिफरेंस की बात हम करते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक, अभी इनके इनका जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है, फर्स्ट फैक्टर हम लिख सकते हैं इसमें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले तो हम वही डिफरेंस लिखते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ठीक है, इनको मैं सभी को एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस आप नोट कर लीजिए। सेकंड बात हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं इसके अंदर, अच्छा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं और हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, हाँ जी, साइज ऑफ आयंस। उसके बाद हम लिख सकते हैं सोल्वेशन ऑफ आयंस। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, एक फैक्टर हम ये टेम्परेचर को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो कंडक्टेंस होता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे जो कंडक्टेंस है कौन सा कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, तो इनका जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है अलग फैक्टर पे। जैसे फर्स्ट हम लिखें, पहले तो वही हो जाएगा नेचर ऑफ मेटल, वहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थे, यहाँ पे मेटल कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, कि मेटल का स्ट्रक्चर क्या है, है ना। ये स्ट्रक्चर ऑफ मेटल आप पढ़ेंगे इसको सॉलिड स्टेट के अंदर, जो अपनी 12th के अंदर एक यूनिट होती है सॉलिड स्टेट, उस टाइम पे आपको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का मतलब क्या है, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लियर। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अभी के लिए आप नोट कीजिए बस कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल डिफरेंट है तो कंडक्टेंस भी डिफरेंट होगा, हो सकता है एक मेटल ज़्यादा कंडक्टेंस करे दूसरी मेटल कम कंडक्टेंस करे, क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेटल कौन सी है, जैसे सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है। इसका मतलब क्या है कि अगर गोल्ड का कंडक्शन आप चेक करोगे तो वो कॉपर से ज़्यादा है, सिल्वर का चेक करोगे तो गोल्ड से ज़्यादा है, मीन्स मेटल डिफरेंट तो कंडक्टेंस भी डिफरेंट। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल का जैसे अभी इसमें कंसिडर ये भी होगा, मेटल अलग स्ट्रक्चर भी अलग होगा, कंडक्टेंस तो अलग दिखाई था, हर मेटल के साथ जो कंडक्टेंस है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एक मेटल के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, दूसरी मेटल के अंदर दो हैं, तीसरी मेटल के अंदर थ्री हैं, सिर्फ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाए तो हम कंडक्टेंस को कह सकते हैं कि डिफरेंट होगा। ओवरऑल जो कंडक्टेंस है कि कौन ज़्यादा बेटर कंडक्टर होगी, कौन किसके पास ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, वो इन तीनों फैक्टर को मर्ज करके, है ना, इन तीनों का जो रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेटल बेटर कंडक्टर है, क्लियर है। तो एक पॉइंट से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी मेटल बेटर कंडक्टर है, क्लियर है, सभी को हमारे को चेक करना पड़ेगा। बट जो कंडक्टेंस है हर मेटल का वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर कंडक्टेंस कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, बट अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है फिर आयनिक कंडक्टेंस है तो ये फैक्टर्स हैं, क्लियर है। तो इनको भी आप डिफरेंस में डाल सकते हैं, नोट कीजिए इनको। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए अब आप बोलोगे सर आपने जो कंडक्टेंस है मेटलिक कंडक्टर उनका जो कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो फैक्टर है जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है उनको तो एक्सप्लेन कर दिया, बट आपने जो फैक्टर थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के उनको एक्सप्लेन नहीं किया, तो उनको भी मैं थोड़ी सी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ, हैव सम पेशेंस। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, कि इनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, अब देखिए कंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस भी होगा, इनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंट्रैक्शन, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंट्रैक्शंस। अब इंट्रैक्शंस को देख लेते हैं कौन कौन सी इंट्रैक्शंस है। फर्स्ट जैसे हम कह सकते हैं
सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड अगर बात करें तो इसके अंदर हम कह सकते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं ना। उसके बाद थर्ड अगर बात करें तो थर्ड क्या होगी, अब सोल्यूट सोल्यूट ले लिए तो हम सोलवेंट सोलवेंट ले लेते हैं, तो कौन सी इंट्रैक्शंस हैं, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शंस। तो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है सोल्यूट सोलवेंट की इंट्रैक्शन की वजह से, सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शंस की वजह से, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शंस की वजह से। अब सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट इंट्रैक्शन का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया मान लीजिए NaCl, अब सोलवेंट के अंदर डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, एक्वा सोल्यूशन मैंने लिया, क्लियर है। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से दो आयन बनेंगे Na पॉजिटिव एंड ClA नेगेटिव, क्लियर है। अब ऊपर से क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए ये जो आयंस हैं, आपको पता है जो वाटर है उसका जो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कैसा होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, मीन्स वाटर का जो स्ट्रक्चर वो डाइपोल नेचर है, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, 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 क्लियर है, ये आपको पता लग गया। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक तरफ नेगेटिव पोल है दूसरी तरफ पॉजिटिव पोल है, तो डाइपोल नेचर होता है इस सॉल्वेंट का, जो नेचर है वाटर का वो कैसा है, डाइपोल पोलर नेचर है, क्लियर है। तो डाइपोल्स है पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव पोल है इसका या एंड है, ये इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये क्या था अपना सोल्यूट, और ये किसके पार्टिकल है, सोलवेंट के, तो सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन, तो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इन दोनों की जो मूवमेंट है वो कम होती है। अब चार्ज की मूवमेंट कम हुई, आयंस के ऊपर चार्ज था, इनकी मूवमेंट कम हुई तो कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट की जो कंडक्टेंस थी वो भी क्या हो जाएगी, कम, क्लियर है। तो इस वजह से क्या अराइज होगा, रेजिस्टेंस, तो पहला फैक्टर आपको समझ आया। इसी तरह से अभी जो Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव था, इसी तरह से हम किसको ले सकते हैं, Cl नेगेटिव को, क्योंकि दो सोल्यूट होंगे यहाँ पे, NaCl टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव भी सोल्यूट है, Cl नेगेटिव भी सोल्यूट है। Na पॉजिटिव का मैंने एक्सप्लेन किया, अब Cl नेगेटिव देखें, जो Cl नेगेटिव है अब क्या होगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब उनको इंट्रैक्ट करना है किसके साथ है, नेगेटिव चार्ज के साथ, तो अपना पॉजिटिव पोल लेके आएंगे, है ना, अब वो अपना पॉजिटिव पोल लेके आएंगे, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इस तरह से इंट्रैक्ट होगा। इनके बीच में भी मतलब थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो इनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम, इनकी मूवमेंट कम होती है तो चार्ज का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, कम, चार्ज का फ्लो कम होता है तो कंडक्टेंस कम हुआ, कंडक्टेंस कम हुआ तो क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो पहला फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन है, सोल्यूट पार्टिकल्स और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से बनता है रेजिस्टेंस, उसकी वजह से करंट कम फ्लो हो पाता है, करंट फ्लो होने के बीच में एक बैरियर है, किस किस का इंट्रैक्शन, सोल्यूट एंड सोलवेंट का इंट्रैक्शन। अब सेकेंड इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया है, वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए तो मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, जो दूसरा इंट्रैक्शन है उसको समझिए, सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ से कितने आयन बने थे, दो, Na पॉजिटिव एंड ClA नेगेटिव। अब ये दोनों सोल्यूट हैं, Na पॉजिटिव भी सोल्यूट है और Cl नेगेटिव भी सोल्यूट है, क्लियर है ये। अब दोनों ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में हल्का हल्का क्या होगा, सुरूर, बोलोगे सर हल्का हल्का सुरूर है ना, नहीं नहीं, इनके बीच में क्या होगा, हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है कि वाटर के अंदर डालते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, बट फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से बाइंड करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से बॉन्ड करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। अब क्या होगा, एक्चुअल में होगा तो नहीं ऐसा बॉन्डिंग, बट एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे की मोशन को, एक दूसरे की मोशन को ये अपोज कर रहे हैं, ये इसको इधर बुला रहा है, ये इसको इधर बुला रहा है, दोनों कहते हैं कि नजदीक नजदीक आने की कोशिश करते हैं। अब नजदीक आएंगे तो इनकी मूवमेंट क्या हुई, कम, मूवमेंट कम हुई तो क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन की वजह से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड भी हो गया, तो हमने फर्स्ट को स्टडी कर लिया है, सेकंड को अब चलते हैं, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन। देखिए सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, क्या है, विस्कस फोर्स।
तो सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विस्कस फोर्स से। अब विस्कस फोर्स क्या होता है, इसको दूसरे वर्डों में आप कह लीजिए विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट, इसको हम क्या भी कह सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट की विस्कोसिटी क्या होती है, आपको पता है जो लिक्विड्स होते हैं, सोलवेंट्स होते हैं, वो लेयर्स के अंदर मूव करते हैं। किसके अंदर मूव करते हैं, लेयर्स के अंदर। अब एक लेयर दूसरी लेयर को अपने ऊपर से फ्लो होने को अपोज करती है, एक लेयर ने ऊपर वाली लेयर को अपने ऊपर से फ्लो होने के अंदर अपोज किया, तो जो अपोजिंग फोर्स है इसी को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। और लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो अब ये है सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। आप बोलोगे सर सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन क्या, फिर देखिए एक लेयर वाटर की थी, मान ली वाटर हमारा इसके अंदर सोलवेंट है, तो वाटर की लेयर, उसके ऊपर फिर से वाटर की लेयर, तो किसके बीच में इंटरेक्शन है, वाटर 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 वाटर, क्लियर है। तो ये है सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। अब एक बात बताइए, जितना ये सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन होगा, जितना ये विस्कस फोर्स होगा, जितना भी विस्कोसिटी होगी, उतना ही सोलवेंट के पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी, कम। अब सोलवेंट के पार्टिकल्स की मूवमेंट कम, तो मीन्स सोल्यूट के पार्टिकल की मूवमेंट भी कम होगी। सोल्यूट के ऊपर कौन था, चार्ज, सोल्यूट की वजह से ही क्या था, कंडक्टेंस। अब सोल्यूट के पार्टिकल की मूवमेंट कम हुई, चार्ज की मूवमेंट कम हुई, चार्ज की मूवमेंट कम हुई तो कंडक्टेंस कम हुआ, कंडक्टेंस कम हुआ तो क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस। तो मीन्स रेजिस्टेंस के थ्री फैक्टर्स हैं यहाँ पे, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। आई होप क्लियर हुआ है आपको, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। ओके नोट कीजिए इसको, नोट हो गया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो अब इसको देखते हैं हम कि मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर भी क्या रेजिस्टेंस होता है, तो पहला आंसर तो यही है कि रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं कि रीजन क्या है रेजिस्टेंस का, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस इन दीज कंडक्टर्स, तो इन दीज कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कर्नेल्स। या कर्नेल्स कौन होते हैं, कर्नेल्स होते हैं मेटल कैटायंस, ठीक है। तो इनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, मेटलिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, देखिए मेटलिक कंडक्टर का हम जैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई हमने मेटल का कंडक्टर लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने कॉपर रोड ली, तो यहाँ पे कौन है, अब यहाँ पे कॉपर प्लस टू आयन्स होंगे और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, सही बात है। इसी तरह से दूसरा कॉपर प्लस टू आयन्स और फिर से दो इलेक्ट्रॉन फ्री, क्लियर है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री है मूव करने के लिए, ये कर्नेल्स हैं, मेटल आयन्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स, क्लियर। तो कर्नेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो होता है, कंडक्टेंस होता है, वो किसकी वजह से होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मैंने आपको पढ़ाया है ये। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करते हैं, बट इनके बीच में कौन आता है, ये कर्नेल्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करते हैं बट उनके लिए बैरियर कौन होता है, ये कैटायंस या फिर जिनको कहें कर्नेल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनसे टकराएंगे तो मूवमेंट रुकेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, या मीन्स इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में हिंड्रेंस एज ए बैरियर का काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुकी मीन्स चार्ज की मूवमेंट रुकी, चार्ज की मूवमेंट रुकी तो करंट फ्लो होना बंद हो गया, और करंट फ्लो होना बंद हो गया, फिर करंट फ्लो कम हुआ मीन्स कंडक्टेंस को अपोज किया, फ्लो होना अपोज हुआ, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कर्नेल्स के साथ, मेटल कैटायन या फिर कर्नेल्स के साथ टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, बहुत अच्छे समझ आया आपको, वेरी गुड। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कि इनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर है। कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बढ़ कौन जाएगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हम उसको इलेक्ट्रोलाइट को एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी को लेके जो आयंस हैं वो और ज़्यादा टूटेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ऊपर से टेम्परेचर के बढ़ने से हीट एनर्जी मीन्स उनको मिलेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगी, तो यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे, सही बात है, बट जो कर्नल्स होते हैं, जो मेटल आयंस होते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या समझे, जैसे ही मेटलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटलिक कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो बढ़ेगी बट साथ में जो कैटायंस हैं, कर्नल्स हैं, वो भी वाइब्रेट करना लग जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पा रहे थे, अब उनके बीच में जो कर्नल्स हैं वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो उनको उनका कोलिजन ज़्यादा होगा, उनका कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, ज़्यादा। तो इस केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने पे, इस केस में रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने पे। क्या रीज़न है, मैंने दोनों का एक्सप्लेन किया, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, गुड नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए रेज करता हूँ इसको। तो ये थे डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। आई होप आपको समझ आए हैं, मे बी आप अगर बुक पढ़ते हैं तो बुक से शायद मैंने एक दो पॉइंट ज़्यादा लिखवा दिया हो, तो पैनिक नहीं होना है ना। बोलो कि सर ये क्या, आपने तो बहुत ही ज़्यादा लिखवा दिया है, बेटर है जितना ज़्यादा मैं आपको नॉलेज देता हूँ आपके लिए बेटर है, कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपको काम आएगा, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम बात करते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टेंस, किसका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है वो किस तरह से डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। तो जैसे हमने फर्स्ट लिखा था, फर्स्ट क्या लिखा था हमने, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने लिखा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं उनका जो कंडक्टेंस है, आयनिक कंडक्टेंस, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं हम, डिपेंडेंस क्या है, बढ़ता है घटता है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वीक, तो दो नेचर है, या तो होगा स्ट्रॉन्ग या फिर होगा वीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन क्या होगी, ज्यादा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन होगी कम। अब डिसोसिएशन यहां पे ज्यादा है, देयरफॉर आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा। यहां पे डिसोसिएशन कम है तो यहां पे आयंस भी क्या होंगे, कम। अब यहां पे आयंस ज्यादा, यहां पे आयंस कम, जहां पे आयंस ज्यादा वहां पे कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। जहां पे आयंस कम वहां पे कंडक्टेंस भी क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम। बोलिए क्लियर है, वेरी गुड, नोट कर लिया, बहुत अच्छे। तो देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, अब उसको देखते हुए कंडक्टेंस क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज होंगी। कि अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा आयंस बनाएगा, बहुत ज़्यादा आयंस बनाएगा, आयंस ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा। अगर वीक है तो डिसोसिएट कम होगा, डिसोसिएट कम होगा तो आयंस क्या बनेंगे, कम। आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम। वेरी गुड, तो एक फैक्टर समझ आया आपको, सेकेंड फैक्टर देखते हैं। अच्छा, उसके बाद थी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सेकंड फैक्टर था ये, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये मान लीजिए कि कंसंट्रेशन अगर घटती है, ये इनवर्स का रिलेशन होता है, इसका रिलेशन होता है इनवर्स का, तो कंडक्टेंस जो होता है
वो इनवर्स करिलेशन है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम। अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। क्लियर है, तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है कंडक्टेंस का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद चलिए नेक्स्ट फैक्टर और पढ़ लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, बोलिए क्या बताया था मैं नेक्स्ट फैक्टर आपको, चलिए ले लेते हैं साइज ऑफ आयंस। यहाँ पे भी जो रिलेशन है वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन, किसके साथ है, कंडक्टेंस के साथ। बोलिए कैसे, देखिए आपको पता है जितना बड़ा साइज होगा आयन का उतनी ही मूवमेंट क्या होगी, कम। ये बात समझ आती है आपको, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही मूवमेंट क्या होगी, कम। एग्जांपल के लिए जैसे एक हल्का सा लड़का जो होता है और एक बहुत भारी भरकम बहुत ही फैटी लड़का होता है या फिर कोई एथलीट होता है, तो हम जनरली देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता है, फिर रेसिंग वगैरह कर पाता है, किसके अंदर मोशन मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो आप कहेंगे सर जो फिट है ना, फैटी जो एथलीट था उसको, पहली बात तो एथलीट ही कहना गलत है ना, तो वो फैट है तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा। मीन्स जितना ज़्यादा हमारा साइज होता है उतनी ही मोशन हम कम कर पाते हैं, जनरली यही कंसेप्ट होता है। तो आयन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी मोशन उतनी ही कम होगी, मोशन कम, चार्ज की मोशन कम, चार्ज की मूवमेंट कम, तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम, इलेक्ट्रिक करंट कम तो कंडक्टेंस भी कम। क्लियर है, तो साइज ऑफ आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। साइज ऑफ आयन घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए, वेरी गुड। तीनों फैक्टर हो गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए तो नेक्स्ट फैक्टर बताएं मेरे को आप क्या है। आप कहेंगे सर नेक्स्ट फैक्टर आपने लिखवाया था, बोलिए फटाफट, नेक्स्ट फैक्टर था भाई सॉल्वेशन ऑफ आयंस, है ना, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ये टर्म आपको शायद आनी चाहिए, है ना, शायद सर हमने तो पढ़ा नहीं, 11th के अंदर ऐसे ही निकाल दी 11th तो मस्ती। चलिए बताता हूँ मैं, सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब तो समझ आती है आपको कि आयन की सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन ऑफ आयंस। मींस ये कैपेसिटी सॉल्वेशन ऑफ आयंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि जो आयन है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन होंगे। अब जितना ज़्यादा कंबाइन होंगे उतना ज़्यादा उनकी जो मोशन है वो कम होगी। क्लियर है, जितना ज़्यादा आयंस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे उतना ज़्यादा उनकी मूवमेंट कम होगी। मूवमेंट कम हुई, मोशन कम हुई तो बोलिए चार्ज की मोशन कम हुई तो करंट कम है तो कंडक्टेंस भी क्या है, कम। तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, मतलब क्या है, अगर सॉल्वेशन ऑफ आयंस की वैल्यू बढ़ती है तो कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है, सॉल्वेशन ऑफ आयंस की वैल्यू कम होती है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। हाँ फिफ्थ मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने लिखवाया था अच्छा सॉल्वेंट नेचर। अच्छा बाहर है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के अंदर हवा चल रही है या विंड है जो आज बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, तो हो सकता है मे भी आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस वो क्रिएट करती रहे वीडियो के अंदर, है ना, थोड़ा सा टक टक की आवाज़ आती रहे। क्लियर है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना, इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो चलिए सॉल्वेंट का जो नेचर है वो क्या, तो देखिए सॉल्वेंट का जो नेचर वो दो तरह का हो सकता है, या तो होगा पोलर या फिर होगा नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट का नेचर पोलर या फिर नॉन पोलर। अब आपको पता है अगर पोलर है तो मींस क्या है, पोलर है मींस चार्ज हैं, है ना, पोलर में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज ज़्यादा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा, तो पोलर है जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा कंडक्टेंस,
जितना कम नॉन पोल, जितना ज्यादा नॉन पोलर, ये मान लीजिए नॉन पोलर ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम, है ना। नॉन पोलर करेक्टर है तो कंडक्टेंस कम। नॉन पोलर का मतलब क्या है, आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे। आपको पता है अगर जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे, जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस, जो उतना ज़्यादा चार्ज मूव होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा मूवमेंट, उसकी वजह से ज़्यादा करंट, करंट ज़्यादा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा। तो पोलर नेचर है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, नॉन पोलर है तो कंडक्टेंस कम होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इन दोनों को, बहुत अच्छे नोट हो गया है, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, जल्दी बोलें। नेक्स्ट फैक्टर है सारे सॉल्वेंट का नेचर हो गया। अच्छा नेक्स्ट फैक्टर है विस्कस फोर्स। चलो विस्कस फोर्स तो मैंने आपको बता दिया है ना, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट ये मैंने आपको बता दिया है। अभी तो बताया था ना रेजिस्टेंस के फैक्टर पे, तो हमने देखा था कि विस्कोसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा। चलिए लिख देता हूँ एक बार, फिर देख हेडिंग डाल लीजिए कौन सा है, सिक्स्थ है नंबर डाल लीजिए, सिक्स्थ है सेवन्थ जो भी है, क्या है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम कंडक्टेंस होगा, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतनी कम, मूवमेंट जितनी कम चार्ज का फ्लो उतना कम, उतना ही कम करंट उतना ही कम कंडक्टेंस। तो अगर ये बढ़ता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ती है तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट घटती है तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। रीजन मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ, क्लियर है। तो चलिए लास्ट फैक्टर लिखते हैं, और लास्ट फैक्टर कौन सा होता है अपना, टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है कंडक्टेंस का। टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटता है तो कंडक्टेंस भी घटेगा, क्लियर है। अब क्या रीजन है, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, क्लियर है। एक्चुअली मेरी रीजन मैंने आपको रेजिस्टेंस के केस में मैंने समझा दिया था, क्लियर है। तो चलिए नोट कीजिए इसको भी, वेरी गुड। चलिए तो अभी तक हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ा है, क्या कि जो अपना टू टाइप्स के कंडक्टर होते हैं, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे ये, बोर्ड एग्जाम्स में आप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको काफी सारे डिफरेंस आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपके लिए जो इस यूनिट से इंपॉर्टेंट